नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर सेक्टर एक में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अज्ञात व्यक्ति की हत्या के आरोपियों को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। बिजली के चार तार चोरी करने गए थे आरोपी। मृतक को बिजली के तार चोरी करने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ाया था। आरोपियों ने बिजली के तार में करंट लगने से एक आरोपी की मौत हो गई। वही अन्य आरोपी वहां से शव को दूर फेंक कर भाग गए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीथमपुर में मेटलमैन कंपनी के पीछे खुले मैदान में एक अज्ञात व्यक्ति का शव डिकम्पोज हालत में पुलिस को मिला था। पुलिस ने इस मामले की जाँच की तो तीन आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला कि मृतक का नाम जगदीश पिता नानूराम निवासी करोंदिया थाना सगोर है। वहीं मृतक के साथ ये तीनों लोग मेटलमैन कंपनी के पास बिजली के तार चुराने के लिए पहुंचे थे। मृतक को पोल बिजली के पोल पर चढ़ाया गया था। पोल पर चढ़ने के पश्चात उसे करंट लगने से ऊपर व तार से चिपक गया। वह ऊपर से नीचे गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। तीनों आरोपियों ने उसकी लाश को कुछ देर पर ले जाकर फेंक दिया। लाश 6 से 7 दिन तक पड़ी रही। पीथमपुर थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। दिनांक 17/5/22 को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव सेक्टर 2 की पहाड़ी में पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर जो बॉडी मिली उसमें डिकम्पोज इसी स्थिति में थी। 6-7 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। थाना प्रभारी सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया और उनकी टीम ने किया तो ये पता चला कि इसके साथ 6-7 दिन पूर्व 4 व्यक्ति थे, जिसमें राज जाटो, बलराम, लक्ष्मण, जो बिजली तार चोरी करने गए थे। इन तीनों ने यह जानते हुए भी कि इसमें बिजली में करंट है, मृतक जगदीश को तार काटने के लिए चढ़ा दिया जिससे वो बिजली करंट लगने से वहीं पर गिर गया और ये डेड बॉडी छोड़ के चले गए। 6-7 दिन तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया 304, 201 एवं 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पाए जाने से तीन अपराधियों को, राज जाटो, बलराम और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जुडिशियल रिमांड में जेल में